आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं आमिर खान के बारे में और उनकी फिल्म सीके सुपरस्टार के बारे में, जो फिलहाल चाइना में धूम मचा रही है। और इस फोटो में अगर आपको कुछ नजर आएगा तो सोचिए, तब तक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या खास है इस फोटो में। तो फिलहाल खबर है हफिंगटन पोस्ट की, द इंग्लिश पोस्ट की। उनका कहना है कि आमिर खान इज ओवरवेल्म्ड बाय सीके सुपरस्टार सक्सेस इन चाइना, जो बिल्कुल सही है। चाइना में जिस तरह से फिल्म धमाल कर रही है उससे आमिर खान बहुत एक्साइटेड है। फिलहाल आमिर खान आज बीजिंग में है और लोगों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ वीडियोज उनके वायरल हुए हैं। और यहाँ पर आमिर खान ने जो कहा है कि मतलब क्यों उनकी फिल्म सक्सेसफुल हुई और क्या वो सोचते हैं। इफ यू टेल ए स्टोरी ऑफ योर नेबरहुड यूर स्ट्रीट परहैप्स That will interest the world audience more, said Amir Khan, who is already a popular movie star in China. यानी कि आमिर खान कहते हैं, अगर आपके आसपास के मोहल्ले की स्टोरी आप बताओ, आपके आसपास के नुक्कड़ या रस्ते की स्टोरी आप बताओ, उस तरह की स्टोरी आप बहुत ज़्यादा लोकल तरह की बताओगे ना, तो वो वर्ल्ड ऑडियंस को पसंद आएगी, यानी कि दुनिया भर के ऑडियंस की। क्योंकि उनके इधर का जो मोहल्ला होगा, उनके इधर का जो नुक्कड़ होगा, उनके इधर का जो एरिया होगा वो डिफरेंट होगा, उनका कल्चर डिफरेंट होगा। तो आमिर को ऐसा लगता है कि द मोर यू इंटरेस्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि जितना आप बारीकी में जाओगे, जितना आप इनडेप्थ में जाओगे, छोटी छोटी जगहों के बारे में बताओगे, उतना वर्ल्ड ऑडियंस को पसंद आएगा। दैट्स वॉट आई बिलीव इज बिकॉज पीपल लाइक टू सी डिफरेंट कल्चर एंड स्टोरीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दूसरे लोग इसी तरह की स्टोरी पसंद करते हैं जो दूसरे देश में रहता है, दूसरे कल्चर में रहता है, तो इनको इस तरह की अलग स्टोरी पसंद है। तो आमिर खान ने कहीं ना कहीं अपना रिवील कर दिया सीक्रेट कि क्यों वो इस तरह की फिल्म बनाते हैं, क्योंकि इस तरह की फिल्में एक्चुअली वर्ल्ड ओवर ऑडियंस को पसंद आती है, जिसमें ओरिजिनलिटी ज़्यादा रहती है और सक्सेस उसका चांसेस ज़्यादा होता है। इंडिया की ऑडियंस शायद पसंद ना करे, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस इस तरह की स्टोरी पसंद करती है। आमिर खान ने ये रीज़न बताया और आमिर खान बहुत ही ज़्यादा खुश है इस सक्सेस को लेकर। अब मैं बात करता हूँ इस फोटो में क्या कमाल का है। आमिर खान जब एयरपोर्ट पहुंचे चाइना में, जहां तक मुझे लग रहा है ये उस वक्त की बात है, क्योंकि आमिर खान को अगर यहां पर आप देखोगे तो आमिर खान के सर पे टोपी नहीं है, राइट। और यह टोपी इस लड़की के पास है और जिसपे दंगल लिखा है, राइट, DNGL, अगर ध्यान दोगे तो आमिर खान को शायद उसने टोपी प्रेजेंट की या आमिर खान पसंद आ गई, आमिर खान ने वो टोपी ले ली और लिखा है दंगल। देखिए वही टोपी है, आमिर खान ने टोपी ले ली या प्रेजेंट की गई होगी। तो आमिर खान के जो फैंस है चाइना में वो बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, खुश है और इंजॉय कर रहे हैं आमिर खान की कंपनी को। और आमिर खान आज बीजिंग में है और लोगों के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। आई होप इसी तरह से वो इंजॉय करते रहे, इसी तरह से आमिर खान को दुनिया सलाम करती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बोले चैनल कितना ही। बाय बाय।